हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश किया वेव ऑप्टिक्स का। ओके, तो इस तरीके से ऑप्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। करियर ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों हमने फिनिश किया, और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। न्यू चैप्टर इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो बेटा, रेडिएशन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक प्रकार का क्या है? रेडिएशन है। ओके, तो उसमें हमने सीखा कि जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा कि इसका नेचर कैसा है। वेव का नेचर है, ठीक है, आगे बात समझ में। वेव नेचर के बेसिस पर हमने डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया। बट वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो कुछ और फेनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनमें से एक फेनोमेना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है किसके? पार्टिकल नेचर की। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा है कि न्यूटन साहब का क्या कहना था कि लाइट जो है, लाइट का नेचर पार्टिकल का नेचर है। हाइजिंग का क्या करना कहना था, इसका नेचर वेव का है। तो फाइनली बाद में चल करके लोग इस बात पर कंक्लूड हुए कि चलो लड़ो मत, है ना, वेव नेचर ऐसा करके लड़ो मत, बस हम इसको ये मान लेते हैं कि इसके पास दोनों नेचर है। और जब हमें कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर का जैसा सहारा लेना पड़ेगा तो हम इसको पार्टिकल नेचर मानेंगे, और जब हमें इसका वेव नेचर का सहारा लेना पड़ेगा तो हम इसको वेव नेचर मानेंगे। इस तरीके से इसको ड्यूअल नेचर माना गया। ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है, मैटर का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। आगे बात समझ में क्लियर है? बाद में फिर पता चला, बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिसने ये चीज प्रूव किया कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, वो भी वेव के जैसा बिहेव करते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि पार्टिकल जो है वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और वेव जो है पार्टिकल के जैसा बिहेव कर सकता है। वेव पार्टिकल के जैसा कैसे बिहेव कर सकता है? जैसे कि लाइट को ये माना जाता है कि लाइट जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है। ठीक है, और उन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो फोटोन को पार्टिकल माना जाता है। तो देखो, वेव को पार्टिकल के रूप में देख लिया हमने, और इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसको वेव के रूप में हम देख लेंगे। ठीक है, आगे चल करके टॉपिक आएगा, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएटेड होता है, पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होता है, मतलब मैटर के साथ वेव और वेव के साथ मैटर ऐसा एसोसिएटेड होता है। तो इस तरीके से आगे चल करके हम लोग मैटर वेव्स भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा गया कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है ना, रेडिएशन के पास, मैटर के पास, इसके पास ड्यूअल नेचर होता है। ओके, चलो, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपन। पहला टॉपिक होगा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि कोई भी जो मैटर है ना, कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर के बना होता है बेटा? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। तो एटम्स में आप क्या जानते हो बेटा कि एक न्यूक्लियस होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज वहां होता है, और उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं ना बच्चे, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलता है? इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका सेंटर से दूरी क्या हो जाता है? ज्यादा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो जिसका आर ज्यादा होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो इस पर जो है सेंटर के द्वारा लगा अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
तो ऐसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर सेंटर के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी वीक होता है, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस करते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा फ्री महसूस करते हैं इसके तुलना में, इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को लूजली बाउंडेड समझते हैं इससे, ठीक है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना, वो मेटल, स्पेशली मेटल के केसेस में, ठीक है, स्पेशली मेटल के केसेस में ये इलेक्ट्रॉन काफी फ्री रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर ये फ्रीली मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, बट ये इतने फ्री नहीं होते कि उसके सरफेस को छोड़ दे। जैसे कि ये मान लो मेटल होता, मेटल सरफेस होता, तो इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके सरफेस पर क्या है, इधर उधर रैंडमली मोशन करते हैं, बट वो इसको छोड़ के नहीं आ पाते, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसका कंट्रोल है इसके ऊपर। आगे बात समझ में, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटे लूजली बाउंडेड, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू डू रैंडम मोशन ऑन इट्स सर्फ, ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, सर्फेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो मेटल सरफेस है उस पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन उस सरफेस को छोड़ करके नहीं जा सकते। अब अगर मैं चाहूं तो, अब आगे चल करके जब हम लोग एटम्स न्यूक्लियाई पढ़ेंगे बेटा, तो वहां आपको पता चलेगा, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस ये जो है इसके साथ क्या है, बाउंडेड है ना, थोड़ा ही सही लेकिन बाउंडेड है, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार का एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी होता है जो इसको रोके रखता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, आ रही बात। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है जो इसको रोके रखता है। अगर मान लो हम किसी प्रकार से उतनी एनर्जी इसको दे दें, ठीक है, अगर हम किसी प्रकार से उतनी एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसके सरफेस को छोड़ देगा और उसके सरफेस को छोड़ करके मेटल से बाहर आ जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो जाता है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कहते हैं। समझ के बात आपको, आप लोग को आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन ऐसा आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इफ सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इफ सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन these इलेक्ट्रॉन्स may come out of the metal surface, ठीक है, may come out of the metal surface, this process is called इलेक्ट्रॉन एमिशन, आगे बात समझ में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, ओके। तो
तो ये रही कहानी इलेक्ट्रॉन एमिशन की। और देखो अब इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के चार तरीके हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के चार तरीके हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, ओके। पहला कहलाता है बेटा, फर्स्ट कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। क्या कहलाता है? थर्मियोनिक एमिशन। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, उसको वो कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ क्या होता है, बाउंडेड होता है, उसके पास कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अगर आपको उसको फ्री कराना है तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप उसको एनर्जी किस वे में देते हो, इस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का एमिशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम वो रिक्वायर्ड एनर्जी उसको थर्मली देते हैं, यानी हीट के द्वारा देते हैं, हीट करके देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन, रिक्वायर्ड फॉर एमिशन इज गिवन बाय हीटिंग मेटल प्लेट, तो ये क्या कहला जाएगा बेटा? थर्मियोनिक एमिशन कहलाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, वो उसको कहते हैं हम लोग थर्मियोन, ठीक है। इफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन इज गिवन बाय हीटिंग मेटल प्लेट, तो ये क्या कहलाएगा? थर्मियोनिक एमिशन कहलाएगा। और दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज थर्मियोन्स। कभी भी थर्मल का मीनिंग ही क्या होता है बेटा? हीट है। दूसरा कहलाता है बेटा, दूसरा कहलाता है फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन, ठीक है। फील्ड एमिशन पढ़ने से पहले एक चीज याद करो बेटा, जब भी हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारते हैं, है ना, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारते हैं, तो क्या आ जाता है उसमें? एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो मान लो एक क्यू है और उसको आपने भी पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा, तो याद है आपको उस पर कितना वर्क डन होता है? क्यू इंटू वी, है ना, क्यू इंटू वी, इतना वर्क डन हो जाता है। और इतना वर्क डन उसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारते हो तो उसमें क्या आ जाता है? एनर्जी आ जाती है, वो एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ऐसे किसी चार्ज पार्टिकल, ऐसे जो मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है बच्चे, तो अगर मैं उन वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया और उसके वजह से क्या हो गया, उस इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, है ना। और वो एनर्जी अगर इतनी सफिशियंट है जो उसको वहां से मूव करने में मदद करे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फील्ड एमिशन कहेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये बेटे कि इफ इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच अप्लाइड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस
ठीक है, ऑफ द मेटल सरफेस, इट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। ठीक है, समझ आ गया आपको बच्चे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, फील्ड एमिशन कहेंगे। ओके ठीक है, तो ये दो हो गए बेटा। तीसरा जो है आपका वो है, थर्ड है आपका सेकेंडरी एमिशन। इसको समझने से पहले एक चीज समझो, देखो कभी भी अगर मान लो आप खड़े हो, एकदम स्टेशनरी रेस्ट में खड़े हो, और आपका कोई दोस्त बहुत तेजी से मान लो भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, कोई भी है ना, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है और वो आपसे टकरा जाए, तो क्या होता है बेटा, हम भी उस थोड़ा सा फेंका जाते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा, अगर कोई आके जोर से हमें धक्का मार दे तो हम भी क्या हो जाएंगे, फेंका जाएंगे। आ गई बात समझ में, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो चल करके आ रहा था उसके पास बहुत एनर्जी था, और वो जब हमसे टकराया तो उसने अपनी एनर्जी मुझे ट्रांसफर कर दी, है ना, उसकी वजह से मेरे में भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर जो आपका मेटल प्लेट है उसमें किसी एक्सेलरेटेड पार्टिकल मतलब जिसके पास एनर्जी है ना, ऐसे पार्टिकल को उस पर बम्बार्ड किया जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर और कोई अदर पार्टिकल हो, उससे जब उस पर बम्बार्ड किया जाएगा, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आकर के दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को उसको ट्रांसफर कर देगा, और वो जो ट्रांसफर एनर्जी हुआ वो अगर इतना सफिशियंट है कि वो उससे बाहर आ सकता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा, और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आया, जो इलेक्ट्रॉन हिट किया उसको हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोला, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोला, तो इसलिए ये क्या कहला गया बेटा, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो इफ इलेक्ट्रॉन और एनी अदर एक्सेलरेटेड पार्टिकल आर बम्बार्डेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, This is called secondary emission. Okay, this is called secondary emission. और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी कौन हुआ, जिससे आपने हीट किया था, emitted electrons are called secondary electrons. और fourth है बेटा photoelectric emission, ठीक है, fourth type जो है वो है photoelectric emission. अब आपको देखो बेटा, जब भी आपको photo का word आए ना, photo word आए तो समझ जाना है किसकी बात हो रही है, photon. फोटोन यानी लाइट, ठीक है, फोटोन यानी लाइट, क्या होता है बेटा फोटोन, फोटोन होता है, हमको हमें कहा जाता है कि जो लाइट है ना वो पैकेट, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटम बोल सकते हो, है ना, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग क्वांटम, क्वांटा या फोटोन, ठीक है, तो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के टर्म में जो हमारा लाइट है वो ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसको फोटोन कहते हैं, तो जब भी फोटो वर्ड आए तो समझ जाना है बात फोटोन की हो रही है, यानी लाइट की हो रही है, यानी रेडिएशन की हो रही है, ठीक है, किसी भी रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हो उसमें स्मॉल पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है जिसको फोटोन कहते हैं, ठीक है, थीके? तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला आपको, फोटोन में एनर्जी होता है, ध्यान देना इस चीज को, तो फोर्थ जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जब क्या होता है बेटा, अगर हमने किसी मेटल प्लेट पर
है ना, किसी मेटल प्लेट पर फोटोन को डाला यानी रेडिएशन को डाला, ठीक है, और उसकी एनर्जी अगर सफिशियंट है तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। जो फोटोन की एनर्जी है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी आ जाएगी और वो क्या हो सकता है, मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो एमिशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे, ठीक है। देखो हमारा जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है ना एंड मैटर, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो इसको ध्यान से, यहां से एक्चुअल में आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हो जाएगा बेटा, इफ फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंटेड ऑन अ मेटल सरफेस, ऑन अ मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड देन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं, ओके, समझ गए। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है, तो वो जो करंट होगा उसको हम लोग कहते हैं फोटो करंट। करंट सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोटो करंट, इज कॉल्ड फोटो करंट, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, समझ गए, क्लियर है। तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और ये जो फेनोमेना है बेटा है ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बेटा, जो फेनोमेना है जिसमें कि फोटोन किसी मेटल सरफेस पर पड़ेगा और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होगा है ना, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू फोटोन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बात करेंगे हम लोग वर्क फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क फंक्शन, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने बोला बच्चे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या करना है, फोटोन डालना है, ठीक है, फोटोन कहां से भी लेके बेटा, यानी उसके ऊपर रेडिएशन डालना पड़ेगा, ठीक है, तो रेडिएशन जब उसके ऊपर पड़ेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से एमिट होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कब बाहर आता है, जब उसको सुटेबल एनर्जी मिलेगा, कितनी एनर्जी, वो जितने से अपने न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, बाउंडेड है, उतना कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा। अब देखो
कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी के साथ बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस के साथ, ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होगा। ठीक है, समझ गए। तो उसको फ्री होने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगा, अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के आउट होने के लिए, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए, वो अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है और फिक्स होता है। उस एनर्जी को, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। समझ गए क्या? तो देखो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम एनी मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम एनी मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, यानी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। आरी बात समझ में आपको, ये जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा, एनर्जी है, ये जो एनर्जी होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी का एसआई यूनिट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जूल लेते हैं, लेकिन यहां पर छोटे एनर्जी होते हैं तो इसको हम लोग एक अलग यूनिट देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले से भी पता होगा, नहीं पता हो तो जान लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वी से शो करते हैं बेटा। तो ये क्या है, बेसिकली एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, समझ के बात को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हो, एक्सेलरेट कर देते हो, तो उसमें जितनी एनर्जी आती है वो कहलाता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस then its energy is called one electron volt। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये भी जूल एनर्जी की यूनिट है और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो याद रखना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, तो कभी कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। ओके, ओके बच्चों, आ रही बात आप सबको समझ में। देखो अब क्या है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको कैसे पता किया गया, जैसा कि आपको पता है ना, फिजिक्स में जब तक आप एक्सपेरिमेंटली ना प्रूव करो तो बात बनती नहीं। और एक चीज याद रख लेना कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसको डिस्कवर किया गया था हर्ट्ज के द्वारा। ठीक है, नोट करके लिख लो,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं शॉर्टकट में पीईई बोलूंगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई, ओके। तो इसमें क्या किया गया बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक ये लिया गया, एक ग्लास और क्वार्ट्ज का ट्यूब लिया गया, है ना, ऐसा एक ग्लास या क्वार्ट्ज का ट्यूब लिया गया, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखते चलता हूं, एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक है, एन इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब ले लिया बेटा, ओके। और इसमें दो प्लेट्स लगा दिए गए, है के? दो प्लेट्स लगा दिए गए, एक प्लेट जो है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट था, ठीक है। तो दूसरा जो है इसमें कि इट कंसिस्ट, ये जो ट्यूब है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इट कंसिस्ट वन मेटल प्लेट, वन फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट सी, इसका नाम दिया सी, मेटल प्लेट सी, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एमिटर प्लेट। क्यों एमिटर बोला इसको, है ना, फोटो सेंसिटिव प्लेट को क्यों एमिटर बोला, क्योंकि यहां इस पर जब रेडिएशन पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, है ना बेटा, तो इसको इलेक्ट्रॉन एमिटर बोलू, एमिटर है इलेक्ट्रॉन का एमिट करने वाला, इसलिए एमिटर प्लेट। और दूसरा प्लेट जो है वो क्या है, दूसरा प्लेट ऐसे नॉर्मली एक मेटल प्लेट ले लिया, ठीक है, वो फोटो सेंसिटिव नहीं है। Another metal plate A also called collector plate. क्यों इसको collector बोला, क्योंकि यहां से जो radiation होगा वो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो कहां पर कलेक्ट होगा, यहां पर कलेक्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां पर पहुंचेगा, तो यहां से निकला और यहां पर इसने खींचा तो उसने कलेक्ट कर लिया, तो ये एमिटर हो गया और वो कलेक्टर हो गया, समझ गए बात को। तो वो कलेक्टर प्लेट है और ये एमिटर प्लेट है, समझ गए बात को। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके साथ में क्या होता है, यहां पर हम लोग एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं जहां से रेडिएशन आती है, ठीक है, इस तरीके से रेडिएशन आती है, ओके। तो एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं, ए ट्रांसपेरेंट ग्लास और क्वार्ट्स विंडो ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको सप्लाई देंगे, वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, ओके,
ठीक है। तो ये देखो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां आपको दिख रहा है एक ग्लास या क्वार्ट्स का ट्यूब, ये कलेक्टर प्लेट, ये जो है सॉरी, ये एमिटर प्लेट और ये कलेक्टर प्लेट है ना। ये आ रही बात समझ में, समझ में? आप इसको कैथोड और इसको आप एनोड भी बोल सकते हो, ठीक है। कैथोड और एनोड ऐसे दो इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक विंडो छोड़ रखा है जिससे कि रेडिएशन इस पर फॉल होगा। ये क्या है बेटा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का है। इसको देखो हमने इस तरीके से बैटरी अरेंजमेंट दिया है, यानी पावर सप्लाई दिया है। इस पावर सप्लाई में आप क्या देख पा रहे हो बेटा, एक स्विच, इधर हमने एक स्विच लगाया, इधर हमने एक स्विच लगाया है, ओके। एक टाइम पर मैं क्या करूंगा, एक स्विच को ऑन करूंगा, एक टाइम पर एक स्विच को ऑन करूंगा। ये वाला जो अरेंजमेंट है बेटा, ये क्या करता है, वोल्टेज को आपको घटाने बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये क्या करता है, आपको वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में मदद करता है। मतलब अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना है इसके अक्रॉस, तो आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ओके, क्लियर है। क्या क्या इसमें अरेंजमेंट है वो भी आपको दिख गया। चलो अब आगे बात करते हैं कि इससे मिला क्या हमको, इस एक्सपेरिमेंट से मिला है। ये जो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने किया है बेटा, ओके, इसमें सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो करेंट पर क्या असर पड़ेगा। देखो है ना, इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, फोटो करेंट को पढ़ सकते हैं। यहां देखो माइक्रो एमिटर लगा हुआ है, स्मॉल करेंट फ्लो करता है, इसलिए माइक्रो एम्पियर वाला हमने वो लगाया, और यहां से आप वोल्टेज देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहला जो ये रहता है एक्सपेरिमेंट रहता है, वो ये देखने के लिए रहता है कि फोटो करेंट पर इंटेंसिटी का क्या असर होगा। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट। तो देखो बेटा क्या होता है, जब लाइट का रेडिएशन यहां पर फॉल होगा, अगर वो रेडिएशन के पास सफिशियंट एनर्जी है, वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट कर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा, अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑफ रखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑफ और ये क्या है, ऑन है, ये क्या है, ऑन है। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि ऐसा, ऐसे कंडीशन में ये वाला, इधर वाला पार्ट काम नहीं करेगा, इधर वाला काम करेगा। तो ये देखो निगेटिव से ये जुड़ा हुआ है, तो ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। दिस टाइम दिस प्लेट इज पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज निगेटिव, समझ गए। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एमिट हुआ। इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये प्लेट भी निगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, और ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दौड़ता हुआ इधर चला जाएगा, समझ गए क्या, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ यहां चला जाएगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो बच्चे, है ना, कि इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, है क्या, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। तो यहां से लेकर के यहां तक चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, अपने आप फ्लो कर सकते हैं क्या नॉर्मली, तो करेंट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकता। जब मान लो इस पर लाइट नहीं फ्लो पड़ रहा था, उस समय की बात करो, इस पर कोई लाइट नहीं था, ठीक है, कोई लाइट नहीं था, और मैंने इसको ऑन किया, तो क्या होना चाहिए, करंट इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट से ऐसा सॉरी है ना, इस तरीके से करंट ऐसा बहना चाहिए, लेकिन बहेगा क्या, नहीं बहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन है सर्किट ओपन है, तो करंट नहीं बहना चाहिए। लेकिन फिर जब हमने इस पर रेडिएशन डालना शुरू किया, ठीक है, और जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी यानी सुटेबल एनर्जी का रेडिएशन पड़ना चालू हुआ, तो क्या देखा गया कि अब करंट फ्लो होने लगा। तो अब ये करंट जो फ्लो हो रहा है, ये नॉर्मल करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सर्किट ओपन है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और वो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हुआ। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना नहीं चल पा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चल पा रहा था, वो अब चलने लगा, और उसकी वजह से करंट बनने लगा, करंट फ्लो होने लगा। ये वाला करंट जो है वो अलग प्रकार का करंट है, इसको हमने
फोटो करेंट बोला, समझ गए क्या बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट, तो यहां पर जो करेंट प्रोड्यूस हुआ उसको हमने क्या कह दिया, फोटो करेंट कह दिया। ठीक है, आगे बात समझ लो। अब देखो मैं यहां पर क्या पढ़ने वाला हूं, इंटेंसिटी का फोटो करेंट पर असर यानी इफेक्ट। तो बच्चे इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, इसको समझ ले पहले। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है बच्चे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो अपन जनरली क्या जानते हैं बेटा, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के पास यहां पर क्या फॉल कर रहा है बेटा, फोटोन फॉल कर रहा है। ठीक है, तो एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती बेटा, एच न्यू एनर्जी होती। ठीक है, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती, एच न्यू एनर्जी होती। मान लो वहां पर कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं बेटा, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, तो एन टाइम्स एच न्यू बाय ए इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी होने का मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक फोटोन ज्यादा एनर्जी रख लेगा, एक फोटोन ज्यादा एनर्जी नहीं रख सकता, एक फोटोन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए एच न्यू एनर्जी ही रख सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाना है तो एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है। ठीक है, समझ गए बात आप। तो बेटा हाई इंटेंसिटी यानी लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर फॉल होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मान लो बच्चे कि मैंने पहले पहले इस पर क्या किया, 100 फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया फॉल कराया। ठीक है, 100 फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो देखो होता क्या है कि एक फोटोन जो है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है, चाहे उसके पास कितनी एनर्जी हो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फोटोन आता है और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराता है। अब उस फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, कितना मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर, जैसा हमने पहले पढ़ा। ठीक है, उस फोटोन के पास कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी होनी चाहिए, उससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर उस फोटोन के पास वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है या वर्क फंक्शन के बराबर भी एनर्जी है, कम में नहीं चलेगा, उससे ज्यादा या बड़ा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक फोटोन के पास चाहे कितनी भी एनर्जी हो जाए, चाहे कितनी भी एनर्जी हो जाए, वर्क फंक्शन से डबल काहे नहीं हो जाए, वर्क फंक्शन से 5 गुना क्यों ना हो जाए, लेकिन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। समझ आ रहा है आपको बात, है ना, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एमिट कर सकता है। ठीक है, आप देखो बेटा 100 फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो यूनिट टाइम ले लेता हूं मैं, यूनिट टाइम यूनिट एरिया ले लिया, तो चलो कि एक सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं, मान लो 100 फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो एक सेकंड में 100 फोटॉन्स गिर रहे हैं, ध्यान से समझना। ओके बच्चे, तो जब 100 फोटॉन्स यहां पर फॉल करेंगे तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को, तो 100 फोटोन क्या करेगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएगा। आगे बात समझ में, क्लियर है? तो बेटे 100 फोटोन फॉल हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन निकला, 100 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। ठीक है, तो एक जो चार्ज यहां से यहां फ्लो किया एक सेकेंड में, वो आपको पता चल गया, तो आपको करेंट पता चल गया, क्योंकि करेंट क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम, तो 100 इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, तो 100
ई अपॉन वन सेकेंड लिया, तो इतना क्या हो गया हमारा करंट इसमें फ्लो करने लगा। समझ गए बात को, क्लियर। अब मैं मान लो क्या करूं, अब मैं इसको डबल कर दूं, है ना, मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दी। तो इंटेंसिटी डबल करने का मतलब क्या हुआ बेटा, अब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स जो थे वो अब ज्यादा गिरेंगे, है ना। तो अब हमने 200 फोटॉन्स कर दिया, ठीक है बेटा। इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। तो बेटा जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा तो अब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेगा, ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि मैं जब इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं तो मेरा करंट भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ऐसा देखा गया बेटा कि जब ऐसा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लाइट डाले गए, है ना, तो देखा गया कि जो फोटो करंट है वो उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। जब हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके बीच में, इधर हमने लिया फोटो करंट, फोटो करंट यानी आई, और ऐसे ही रहने दो, और इधर हमने क्या लिया, इंटेंसिटी। तो कैसा ग्राफ आया बेटा, ऐसा, है ना। ओरिजिन से पास होगा ना जीरो पर, क्योंकि जब जीरो इंटेंसिटी था, जीरो इंटेंसिटी था तो नो फोटोन वॉज, है ना, हिटिंग इट, ठीक है, नो फोटोन वॉज फॉलिंग ऑन इट। दैट टाइम कोई करंट, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच नहीं रहा था, तो आपका करंट उस समय क्या था, जीरो। तो बेटे याद रखना, इस पे इस चैप्टर पे ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैक्सिमम ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक ग्राफ को आपको समझना है। तो फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है, है ना, स्ट्रेट लाइन होता है। समझ गए बात को आप। तो ये हो गया बेटा कहानी फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का, ठीक है, इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ओके। नेक्स्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करेंट। दूसरा चीज अब अपने को देखना है, हम यहां पर देखो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करेंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करेंट। अब देखो बेटा इसमें भी अपन क्या करेंगे, ग्राफ्स का हेल्प लेंगे, ओके, ग्राफ का हेल्प लेंगे। तो बच्चे इसमें क्या होता है, इधर हमने क्या ले लिया, फोटो करेंट ले लिया, और इधर क्या ले लिया, पोटेंशियल ले लिया, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा जब हम एक फिक्स इंटेंसिटी का, ठीक है, एक फिक्स इंटेंसिटी का रेडिएशन लिया हमने, ठीक है, फिक्स इंटेंसिटी का और सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी फिक्स इंटेंसिटी का रेडिएशन इस पर डाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 100 फोटॉन्स पर सेकंड इस पर पड़ रहे हैं, 100 फोटॉन्स पर सेकंड पड़ रहे हैं, एक सेकंड में इसमें कितने फोटॉन पड़े, तो 100 फोटॉन पड़े, तो यहां पर क्या होंगे बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना, यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ओके बच्चे। तो क्या होता है, ये 100 इलेक्ट्रॉन जो निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो अलग अलग हो सकती है, किस वहां से निकला, ठीक है, सरफेस से निकला, अब निकल के वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके पास कितनी एनर्जी बची, ठीक है। देखो होता क्या है, जब आपने मान लो इसका वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इस मेटल सरफेस, मैंने आपको बोला वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है, वर्क फंक्शन प्रॉपर्टी होती है उसके मेटल के सरफेस, मेटल की, है ना, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका वर्क फंक्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कम से कम आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रेडिएशन चाहिए। मान लो आपने जो रेडिएशन डाला उसका एनर्जी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके फोटोन की एनर्जी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब देखो बेटा इससे इससे जब हमने इस पर डाला तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में खर्च हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन को बस एमिट कराने में, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, ठीक है,
बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास जा सकता है, वो निकला जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसके पास आ सकता है वो दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल जाए। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि क्या होता है कि जो इसने जब उसने यहां पर हिट किया, ठीक है, जब उसने इसको हिट किया तो हिट करने में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट भी तो हो सकती है, अरे बात समझ में, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है। तो अगर एनर्जी कुछ वेस्ट हो गया तो फिर इसको दो पूरा दो इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो अगर वेस्टेज नहीं हुआ तो पूरा पूरा दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, लेकिन वेस्टेज हो भी सकता है, तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ना उसके पास जीरो से लेकर के दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, जीरो से लेकर के दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी हो सकती है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ ये मैक्सिमम एनर्जी हुआ। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी।